आज मैं आप सबसे मालपुए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और ये मालपुए आप पहली बार में ही बहुत ही आसान तरीके से एकदम परफेक्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो राधे कृष्णा दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए बाउल में मैंने 1 कप आटा लिया है। जो भी आप नॉर्मल घर में आटा ले खाते हैं वही आप ले सकते हैं। मार्केट में तो ये मालपुए मैदे के बनते हैं, तो आप चाहें आधा आटा आधा मैदा या फिर पूरा मैदा या फिर पूरे आटे से भी बना सकते हैं। मैंने आटे से बना रही हूँ ये, और इसमें मैंने 1/4 कप सूजी डाल दी है, थोड़ी सी इलायची कूट के डाल दी है, और 1/4 कप ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा ना, इसका टेस्ट है ना एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। अब इसमें मैंने ताज़ा दूध डाला है घर का, ये सुबह का ही दूध था, तो एकदम ताज़ा दूध लीजिएगा, वो भी मलाई वाला। तो मैंने मलाई इसमें से नहीं हटाई है, और एकदम रूम टेम्परेचर का ये दूध है। तो ध्यान रखिएगा, ताज़ा दूध होना चाहिए और रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें इसका एक बैटर बनाना है, और बैटर इतना स्मूथ बनाना है, जितना आपका बैटर स्मूथ होगा मालपुए आपके उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। क्योंकि जो हलवाई लोग मालपुए बनाते हैं ना, वो बैटर को काफ़ी देर तक बीट करते हैं, तो बैटर को हमें अच्छे से बीट करना है। इसमें थोड़ा हाथों की मेहनत तो है, लेकिन मालपुए आपके उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको हर कोई नहीं बताता है। तो मैं बहुत ही देखिए अच्छे तरीके से इसे इस तरीके से मैं बीट कर रही हूँ, और इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए और एकदम स्मूथ होना चाहिए। थोड़ी देर तक हमें इसे बीट अच्छे से करना है। और इसमें देखिए मैं दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो फिर कहीं पतला कहीं गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर आपको आटा डालना पड़ेगा, सूजी डालनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जैसे बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए अच्छे से ये हमारा बैटर बन चुका है, बहुत ही स्मूथ हो चुका है। तो अब हम इसे कवर कर देंगे, थोड़ा सेट हो जाएगा 15-20 मिनट के लिए। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं इसके लिए। तो देखिए मैंने इंडक्शन पर ये एक पैन रख दिया है, इसमें 1 कप मैंने चीनी डाली है, आधा कप मैं इसमें पानी डालूंगी। तो 1 कप आप जब चीनी लें तो उसमें आधा कप पानी पर्याप्त है, मतलब चाशनी बनाने के लिए, क्योंकि हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ चिपचिपी वाली हमें चाशनी चाहिए। तो आधा कप मैंने पानी डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा फूड कलर डाला है मैंने, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया थोड़ा सा। एक्चुअली मार्केट वाला लोग मैं आज सोच रही थी वह मालपुए को दूं, आप इसकी जगह केसर डाल सकते हैं, और या फिर आप दोनों ही चीज़ें टोटली स्किप कर सकते हैं, जैसा आपका मन है वैसा आप कर सकते हैं। तो बस चाशनी हमारी फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमें कोई एक तार दो तार की चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ चिपचिपापन चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चाशनी में कोई तार नहीं बनना चाहिए, वरना आपके मालपुए बहुत टाइट हो जाएंगे जब आप चाशनी में डालेंगे। तो अच्छे से बॉईल आ चुका है, अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो हाथों में ये इस तरीके से आप करेंगे ना तो चिपचिपानी चाहिए, बस तो चिपक रही है। तो बस हम इसे मैं ऑफ कर दूंगी, और इधर मैंने पैन रख दिया है, और उसमें डाला है देसी घी। ये मैंने देसी घी डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड में भी सेक सकते हैं। और ये देखिए बैटर हमारा कितना स्मूथ बना है, मैं बहुत ही पास से आपको दिखा रही हूँ। तो इतना स्मूथ बैटर जब बनेगा ना, तो मालपुए आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो मैं घी में बना रही हूँ, घी में एक्चुअली क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप चाहें तो इसे रिफाइंड में बना सकते हैं, बट तेल में मत बनाइएगा। और देखिए जैसे ही चमचे से गिरा रही हूँ ना, इसे फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये फैल जाएगा। आप कटोरी ले सकते हैं, चमचा ले सकते हैं, जो भी आपके पास बर्तन है उससे आप इजीली फैला सकते हैं। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम रखना है, और इसको देखिए मैंने पलट दिया है थोड़ी देर बाद, तो अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे मतलब दोनों तरीके से सेकेंगे, दोनों तरफ से सेकेंगे। ये देखिए दूसरी साइड से तो ये अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं जो बैक साइड है उससे साइड से मैं अच्छे से सेक लेती हूँ। तो मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे तो अंदर तक ये पक जाएंगे बहुत अच्छे से। तो बढ़िया तरीके से हम सेक लेते हैं, देखते हैं ये दूसरी साइड से सिकाए, देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। और अब हम इसे निकाल लेंगे, दूसरा भी मैं निकाल लूँगी, और इसी तरीके से हमें जो बैटर है हमारा, वो सारे मालपुए हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार करने, तो बाकी के भी बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो ये सारे हम बना लेंगे, और देखिए मैंने सारे मालपुए बना लिए हैं, और ये चाशनी गर्म है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चाशनी अगर आपने काफ़ी देर पहले बनाई है, तो जब आप मालपुए उसमें डुबोएं तो चाशनी गर्म होनी चाहिए, हल्की गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म ही हल्की, तो हल्की गर्म ही है ये चाशनी, उसमें मैंने मालपुआ डाल दिया है। तो थोड़ी देर आप डिप करके छोड़ दें, आधा 1 मिनट तक, जिससे ये चाशनी है अंदर तक इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसमें डिप कर दिया है, तो थोड़ी देर बाद ही मैं इसे निकालूंगी, जिससे चाशनी अंदर तक भर जाएगी। तो अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने आधा 1 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था, और फिर से मैंने इसे चारों तरफ से जैसे ऊपर से नीचे से चाशनी इसके ऊपर डाल दिया, और अब मैं इसे निकाल लूँगी। इससे क्या होगा ना, चाशनी अंदर तक चली जाएगी,
और जब आप फिर सर्व करें तो ऊपर से चाशनी और डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो। अब इसको भी उसी प्रोसेस से हमें करना है, फटाफट इसे भी कर लेते हैं, बस चाशनी में डुबो कर और इसे भी हम निकाल लेंगे। तो जैसे आपको मीठा खाना है उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं इसमें ऊपर से चाशनी एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठे मुझे नहीं पसंद है। तो ये देखिए अलट पलट करके मैंने इसे भी अच्छे से चाशनी में डुबो दिया, बहुत ही सॉफ्ट है, पकड़ने में भी ऐसा लग रहा है कि टूट के कहीं गिर ना जाए। तो इसे भी मैं निकाल लूँगी और बाकी के भी हम चाशनी में डिप करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारे मालपुए मैंने तैयार कर लिए हैं, इसमें ऊपर बादाम की कतरन लगा के है। तो कैसी लगी आज आपको आज की रेसिपी? अगर पसंद आई है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो आती है मेरी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।